गाइस, तो आज हम रेडी हैं कोपेनहेगन को बाय बाय करने के लिए। इस ब्यूटीफुल से व्यू को मैं बहुत मिस करने वाली हूँ। वो देखो वहाँ पे वो साइकिल्स खड़ी, नीचे लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, मैं काफी मिस करने वाली हूँ। और यहाँ पे हमारे मिस्टर ट्रैवलर रेडी हैं। हाँ जी, आपका सूटकेस पैक्ड है? हाँ मामा, मेरा सूटकेस तो कब का पैक है, आप चलते ही नहीं हो। और यहाँ पे मिस्टर एक्सपर्ट पैकर पैकिंग कर रहे हैं। इतने सारे सूटकेस में कैसे सामान पैक कर रहे हैं बता नहीं सकता, इतनी मुसीबत ना, इतना मुश्किल। हर बैग ओवर पैक्ड है, ओवर पैक्ड। ओ भाई रुक जा। अरे भाई बाहर आजा, इसको आजकल बहुत ध्यान देना पड़ता है, अपना सर इधर उधर मारता रहता है। भाई बाहर आओ। हाँ वेरी गुड, सूटकेस के पास आओ। ओवरऑल हम लोग सब रेडी हैं और बाय बाय कर रहे हैं इस सुंदर से रूम को, प्यारे से नजारे को। चलो 5:30 घंटे की ट्रेन लेके हम पहुंचने वाले स्वीडन स्टॉकहोम। और कोपेनहेगन से स्टॉकहोम की ट्रेन कैसी होती है, क्या क्या सर्विसेज होती है, सब मैं बताने वाली हूँ आपको। तो चलो फिर मेरे साथ बने रहना इस जर्नी पे। अपनी जैकेट पहन लेती हूँ, न्यू वाली, बहुत भारी जैकेट है भाई, इसको पहन के मैं पूरी बाबा लगती हूँ। चलो फिर निकलते हैं, सब कुछ सेट है और आपको दिखाते ट्रेन जर्नी कैसी रहती है हमारी 5:30 घंटे की, और अशर कैसे रहता है उस जर्नी पे। पूरी लिफ्ट भरी हुई है हमारे सामान से, पर्सनल लिफ्ट है हमारी। भाई अच्छा ही है, जा रहे हैं। मैं ये सोच रही हूँ वैसे हर्ष, अभी हमने यहाँ पे इतनी शॉपिंग कर ली है, आगे स्वीडन अगर करेंगे तो फिर कहाँ लेके जाएंगे सामान, अपने सर पे लेके जाएंगे? अब कोई शॉपिंग नहीं होनी, पता है, बस ट्रिप को एंजॉय करो, खेलो खाओ घूमो फिरो और अपने घर को निकलो। देखो पता है सबसे बुरी बात क्या है कि बारिश हो गई यार, और अब पापा सारे सूटकेस लेके आ रहे हैं। मेरे पास एक है, पापा के पास 3-3 है। कब आएंगे पापा? उस लिफ्ट में से आने वाले हैं पापा, फाइनली आ ही गए। हाँ दिख ही रहे हैं उस प्रैम के पीछे कहीं, एंड वो रहे पापा। कैसा लग रहा है? बारिश नहीं होनी चाहिए थी, बारिश कहाँ से हो गई यार। ये फूल क्यों लेके आया, ये छोड़ देता वहीं। ये ब्लडी फूल के ले ले, तू छोड़ दे। अब नहीं, अब चल ले, अब लेके चल। ये डेनमार्क से जाएंगे स्वीडन, हम भी डेनमार्क से जाएंगे स्वीडन। भाई किसी तरीके से भी बस मैनेज कर ही रहे, कोई ना कोई हेल्प कर दे रहा है यार। एक्चुअली अभी टीटी ने हमारी हेल्प करी, पता 3 दिन तक हमारा पास चेक नहीं हुआ। मुझे लगा क्यों ही हमने पास लिया, अगर उन्होंने चेक ही नहीं करता फ्री में घूमते। तो कहते हैं रिग्रेट नहीं रहेगा, अब तो रिग्रेट नहीं है ना। ना अब तो रिग्रेट नहीं, फाइनली लास्ट डे हमारा पास चेक हुआ है। सही में ऐसा मत सोचना कि पास नहीं लेना, पास हमेशा लेना चाहिए भाई। क्यों नहीं लेना, सोच भी नहीं है सीधा। चलो भाई चले ट्रेन स्टेशन मेन। अभी वैसे हम मेट्रो स्टेशन से ट्रेन स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, अब ट्रेन स्टेशन जाएंगे। यस प्रेरणा, अभी तक हमारा ट्रैक ही नहीं पता चल रहा। 12:15 की ट्रेन है, इसने ऑलरेडी 1.5 घंटा पहले लाके फेंक दिया यहाँ पे ट्रेन पे। यार देखिए, तू देख रही है 11:22 अभी ट्रेन कैंसिल हो गई स्टॉकहोम की, पहले हमने यही बुक कराई थी। अब 11:39 तक का तो आ गया, आगे कुछ आया नहीं अभी। ऐसा करते हैं किसी ट्रैक पे चल के बैठते हैं, टाइम पास करते हैं, चाय चूहे पीते हैं। सर पूरा गीला हो गया, ठंडा हो गया, बारिश क्यों हुई यार आज? व्हाइट टेस्ट था हमारा, ये इतने सारे लगेज के साथ बारिश हो गई। बस मेरा दिल खुश है कि हमारा टीटी ने टिकट चेक कर ली, नहीं तो पास लेने का फायदा ना होता। स्वीडन जाएगा, स्टॉकहोम देखेगा, स्टॉकहोम। एनीवे गाइस, अगर आप लोग भी यहीं पे यहाँ पे कोपेनहेगन आ रहे हो ना, तो 3 डे का पास ले लो, ट्रांसपोर्ट पास। अगर आप 3 दिन के लिए आ रहे हो बहुत आसान रहता है, 24 आवर पास, 48 आवर पास और 72 आवर पास सारे है, इजी रहता है। कुछ बोल रहे हैं? बटन प्रेस कर, लिफ्ट ऐसे ही नहीं आती। तो भाई बारिश से बचने के लिए ऐसे कोच के अंदर बैठे हुए हैं, रूम बना हुआ है। हमारी ट्रेन आ गई है बाय द वे, 12:19 की ट्रेन है। अभी टाइम क्या हुआ है, ओ ये तो इंडिया का टाइम है। अभी टाइम हुआ है 11:55 29 मिनट अभी ट्रेन को जाने में। ठीक है फिर बस आराम से अपना लगेज वहाँ पे अरेंज करते हैं। अशर सो चुका है ना? हाँ, अभी क्लीनिंग हो रही है ट्रेन की, उसके बाद हम घुसेंगे उसके अंदर। बढ़िया, तो फाइनली अशर और मम्मा बैठ चुके हैं ट्रेन में, पापा अरेंज कर रहे हैं लगेज और मजा आने वाला है। बिस्तरों है अंदर, रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, मजे करेंगे। ये बच्चा बहुत एक्साइटेड है, बहुत। मुझे पता है क्यों एक्साइटेड है। तो भाई ट्रेन के रेस्टोरेंट में आ गए, अभी ट्रेन चली है, प्रेरणा को भूख लग गई है, कह रही है कॉफी पीनी है, ठंड लग रही है। ठंडी खुद बनानी पड़ रही है बेटे, मिल गई है सोच। सही बात है, वैसे बहुत सारी चीजें खाने यार, मेरे को तो बहुत कुछ दिख रहा है। सैंडविच वगैरह होंगे ना, वेज सब मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ है यार। बढ़िया, 5 घंटे ऐसे ही खा पी के टाइम पास होगा। सही में यार, पर काफी कुछ है यार, मतलब सीरियसली काफी कुछ को भी चाहिए कुछ, अशर को भी चाहिए कुछ। क्या चीज़ चलो कॉफी पीते हैं। तो भाई अभी मैं और अशर आए थे, वॉशरूम यहाँ पे है, डायपर चेंजिंग स्टेशन। भाई बहुत ही नीट एंड क्लीन वॉशरूम्स हैं, मतलब सही में प्लेन के जो वॉशरूम्स होते हैं ना उससे भी ज्यादा सुंदर है। बढ़िया, तो चलो अशर का डायपर चेंज हो गया, अब इसको वापस फोल्ड करते हैं लाइक दिस। चले अशर वापस सीट पे, मम्मा को परेशान करने चले। चलो तो हर्ष और अशर अपनी जर्नी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, अभी तो शुरू हुई है। अशर को पूरी सीट मिल गया, मैंने सोचा मैं अपना अलग यहीं पे बैठ जाती हूँ जब तक वो आते नहीं। अशर ये ले आया वहाँ से ना दूध का पैकेट, फ्री में ले, एंजॉय कर, अब इससे खेले जा रहे हैं। और इसका फोन आ गया, बढ़िया, पता है इसको खोल के पी भी सकता है। बढ़िया, और यहाँ से ये व्यू है, बढ़िया, हाई स्पीड है यार, बहुत तेज चल रही है। अशर और हर्ष के एकदम साइड पे पानी ही पानी है, समुद्री दूर का ही दरिया सा बहता है। भाई फुल स्पीड से चल रही है ट्रेन, आई थिंक हम किसी ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। क्या फील आ रही है, ऐसा लग रहा है किसी VR इफेक्ट चल रहा है यहाँ पे, कोई खत्म ही नहीं हो रहा है यार ये ब्रिज तो। साइड पे देखो पानी, ओहो
भाई हल्दीराम का खाना जिंदाबाद, खिचड़ी खाई जा रही है, मजा आ गया। अशर खिचड़ी देख के सोच रहा है मैं कब खाऊंगा मम्मा। प्रेरणा मुझे भी खिला रही है, खुद भी खा रही है, फिर अशर मुंह खोल रहा है मेरी बारी। नहीं बेटा अभी आपने दूध पिया, अभी आपकी बारी नहीं। और अब हर्ष हमारे लिए बना रहा है पोहा, अपने लिए अपने लिए, और यहाँ पे मेरे लिए भेलपुरी, और ये बिस्किट्स जो हमने लिए थे, और मैं अशर को दिखा रही हूँ डॉगीज। अशर देख रहा है बहु बहु बेला जैसे है, ये बेला जैसे बहु बहु, पर बेला हमारी ज्यादा प्यारी है। और बस खाना बन रहा है, भूख लग रही है भाई, इतना बोर हो गए बैठे बैठे, सोचा पास्ता ही खा लेते हैं। ऐसा लग रहा है फ्लाइट बढ़िया थी। सही में यार इतना बोर हो गए खाई जा रहे हैं, एक घंटे में पहुंच जाता है, बोला भी था मैंने, 3 घंटे और लगेंगे भी। काफी सही पास्ता है वैसे ट्रेन के हिसाब से। और देखते देखते रात हो गई, मैं भेलपुरी खा रही थी। और फाइनली स्वीडन सेंट्रल स्टेशन पहुंच चुके हैं, काफी सुंदर सेंट्रल स्टेशन है, अपना होटल ढूंढ रहे हैं। वो रेडिसन है, हमारा भी रेडिसन है, पर ये वाटर फ्रंट वाला तो हमें यहाँ नहीं जाना, हमें वाइकिंग्स जाना है। तो हर्ष अभी वॉक करके पूछ रहा है, समझ रहा है कि हमारा होटल कहाँ है। अशर आवाजें मार रहा है, बस बेटा 2 मिनट में पहुंच रहे हैं, अम्मा पापा जल्दी पहुंचाओ, मेरे से वेटती हूँ। तो रूम में चेक इन कर चुके हैं, अशर लग गया अपना गेम्स खेलने, मम्मा की घड़ी पसंद आ गई इसको आज। हाँ भाई कैसा लग रहा है रूम? मम्मा रूम तो बहुत अच्छा है, काफी मस्त है, मुझे मेरा खुद का बेड मिल गया यहाँ पे, वो मम्मा पापा का बेड, ये मेरा बेड, थैंक यू मम्मा। बेटे सोएगा तो तू हमारे साथ ही, जो मर्जी हो तेरे, 2-2 बेड हैं, बट ठीक है, काफी अच्छा रूम है वैसे, एस्थेटिक वाइज बहुत क्यूट है, यहाँ पे प्यारा सा एक हाई चेयर रखी हुई है, यहाँ पे कर्टन है, ये जूनियर स्वीट है, पता नहीं उन्होंने हमें जूनियर स्वीट क्यों दे दिया। और बाथरूम है, बाथरूम के अंदर एज यूजुअल जो होना चाहिए वो है, और बाथटब भी है, और चिप्स खाता हुआ हर्ष है वहाँ पे, काफी अच्छी सी ऐसे टेबल बना रखी है जिसपे काफी चीजें रख सकते हो, स्पेस वाइज काफी चीजें हैं यार। अपनी जैकेट टांग दी, हाँ। खोले हल्दीराम, हल्दीराम का खाना हो, परांठे खाए, परांठे खाए, ये बहुत खुश हो गया परांठों के नाम पे, कह रहा घी लगा के परांठे दो घी। ऑल इन ऑल जर्नी बहुत अच्छी रही, एंड में आते आते मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं भाई मेरा दिमाग ना एकदम खपती हो गया था कि अब कब आएगा ट्रेन स्टेशन, कब आएगा ट्रेन स्टेशन, बट ओवरऑल बहुत अच्छी इंजॉयबल जर्नी थी, और सेकंड क्लास भी बहुत अच्छी थी ट्रेन की, मतलब मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट क्लास में कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं, मे बी पुशबैक हो चेयर्स में, बट इसमें पुशबैक नहीं था, फिर भी काफी कंफर्टेबल थी। अशर भी बहुत ही सही रहा ओवरऑल, उसके साथ ज्यादा दिक्कतें नहीं हुई, टच वुड, और आगे की पूरी जर्नी एकदम मस्त रहनी चाहिए, फैंटास्टिक रहनी चाहिए। हर्ष वहां पे निकाल रहे हमारे लिए खाने का सामान, हल्दीराम के बड़े सारे पैकेट लेके आए हैं एज ऑलवेज, और खाते हैं पीते हैं, और फिर कल से आपको स्टॉकहोम दिखाते हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ भाई, दूर से देख रही थी जब सेंट्रल स्टेशन से एग्जिट किया, पूरी स्ट्रीट इतनी सुंदर लग रही थी, क्या डेकोरेशन हुई, और रेडिसन की एंट्री इतनी सही थी, इतनी धमाकेदार थी, मतलब यार माहौल सेट हो रखा था, इतना बंदा, इतना बंदा, क्या लाइटिंग, क्या डेकोरेशन, क्या क्रिसमस ट्री। और अब अशर मुझे व्लॉग नहीं करने दे रहा, कह रहा मेरे से बातें करो, मेरे से खेलो, ये नई चीज सीख गया, क्या सीखे अशर, ये इतना नॉटी, इतना स्मार्ट है, इसको पता है कि मम्मा पूछ रही है, तो अब मुझे नहीं बताना है कि कैमरा पे रिकॉर्ड हो रहा है, नॉटी। जोक मार रहा है, जोक मार रहा है। तो ये रहे मेरे छोले, और ये रहा मेरा पराठा, चलो भाई खाते हैं, हर्ष तब तक करेगा ड्यूटी, ये कह रहे मुझे भी खाना है, खाने तो गाइस क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, और अभी अभी हम अराइव कर रहे हैं स्टॉकहोम में, और बहुत ज्यादा प्रिडिक्शन है कि बर्फ पड़ सकती है, तो हमने सोचा अशर के लिए जाए कुछ ठंड वाले स्नो प्रूफ सूट्स, आई मीन स्नो सूट, और स्नो सूट से ही फायदा होने वाला है, काम आने वाला है, फिर स्नो सूट लेंगे तो एक बैग और लेना पड़ेगा क्योंकि भाई लगेज ओवर हो गया है, पर इसके लिए स्नो सूट लेना बहुत जरूरी है। बातें कर रहे हैं पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, शरारती हो गए। तो अभी हमें बिल्कुल नहीं पता जाना कहाँ है, पर थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, बेबी शॉप्स देखते हैं, निकलते हैं यहाँ से। और ये स्ट्रॉलर तो अब किसी काम का रहा नहीं, दिखाइयो स्ट्रॉलर, स्ट्रॉलर तो खाली चल रहा है क्योंकि अशर को मेरे साथ लटकना है, थोड़ी देर बाद मैं स्ट्रॉलर में बैठूंगा, प्रेरणा फिर हम तीनों को चलाइयो, तेरी वजह से मुझे स्ट्रॉलर खाली रखना पड़ रहा है, देख कैसे हंस रहा है। अरे पर हम स्ट्रॉलर लेके क्यों जा रहे हैं जब इसे यूज ही नहीं है? अरे आएगा आएगा, मेरे यूज आएगा ना। चलो आपको नाइट लाइफ दिखाते हैं स्टॉकहोम की। अशर फाइनली बेबीज वर्ल्ड पहुंच गए हैं, अब तेरे लिए लेंगे स्नो सूट। फाइनली हमने अशर के लिए देखो बहुत ही क्यूट सी बीनी ली है, पहले पहन नहीं रहा था, फिर इसको पहनाई तो फिर पहन ली, किसी और से तो ये बहुत आराम से पहन लेता। अशर उतारो ना। नहीं नहीं अभी पहन के रखेगा क्योंकि हम ये ले रहे हैं, तो हम नॉर्वे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली इसके लिए बहुत सही रहेगा। अब इसको हम ये भी ट्राई करा के देखने वाले हैं, पहनता ही नहीं है, कभी नहीं पहनता, ये पहना रहे हैं तो पहन लेगा, सब कुछ पहनेगा, कितना खुश हो रहा है अशर भाई, ये बहुत एड़ा है सच्ची में। Oh, now it's warm. पर पता क्या हर्ष, ये वाले ग्लव्स से ना बेटर वो है क्योंकि वो टाई हो सकते हैं।
तो हम अशर के लिए अब ले रहे हैं ये वाले बूट क्योंकि ये बहुत इंसुलेटेड है, ये वाले ग्लव्स क्योंकि ये भी बहुत इंसुलेटेड है, ऐसे गले में डल जाएंगे ना, हाँ, पूरा ऐसे, मतलब ऐसे पूरा पहना के दिखाएंगे, ये देख, ये ना ऐसे यूं जैकेट में जाएगा, यहाँ से ये जो स्ट्रिंग्स है ना ये निकलेंगी और इसके हाथ ऐसे घुस जाएंगे, बढ़िया यार, निकाल ही नहीं पाएगा। और हमने वो फेस वाला भी तो लिया है, हाँ वो ये रहा, हेड कवर करने वाला ये रहा, ब्लैक ना ले लें यार, यार बट ये वाला वो कह रहे हैं बॉम है, ठीक है। मैंने अभी ना ट्रिप ट्रैप जो चेयर अशर के पास है वो देखी यहाँ पे, भाई मैंने प्राइस पूछा, इतना सस्ता आधे रेट पे मिल रही है यहाँ पे यूरोप में, और एक्चुअली मेड इन यूरोप है इसलिए सस्ती मिल रही है, अदरवाइज भाई बहुत कट गया 20,000 रुपए सस्ती है यार, ट्रेवरे सब मिल रहा है, मतलब हेवन है यहाँ बच्चों का यार। मुझे क्या लग रहा है प्रेरणा, एक चीज लेने आए थे इस बंदे ने इतनी चीजें खरीद लिया अशर के लिए, मुझे क्या लग रहा है अगर हम पूरा सेट देखेंगे ना तो वही प्राइस पड़ेगा, आई श्योर, ये देख अलग से बेबी सेट अलग से बेच रहे हैं, चेयर अलग है, ट्रे अलग है, हार्नेस अलग है, भाई मुझे तो कॉट भी इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे, क्या टॉयज पड़े हैं यार, क्या दुनिया है यार, ये देखियो कैसे खेल रहे हैं, बेबी जिम पड़े ना वहाँ पे, मेरा बेबी जिम ये लेने का मन था एक्चुअल में, हमने क्या लाल पीला नीला सा लिया हुआ था, देखना कैसे टेढ़ा हो गया, और देख साहब सारे टॉयज टच करता हूं, इसको टॉयज चाहिए सारे, टच करो यार, ये टॉयज सारे देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, देखते हैं हमें सारे टॉयज, सही में यार इसको बंदर पसंद आ रहा है, पसंद आया भी तो क्या बंदर, लेना ही नहीं हमने, अशर यार क्या पसंद आता है तुझे, यहाँ ले क्या, यहाँ देखिए इनको नहीं हाथ लगाएगा, शर्त लगा ले, लगाया साथी को भी हाथ लगाया, इसको भी लगाया, इसको भी लगाया, सबको लगा रहे हैं, सही में ना लगा रहे हैं। तो ओवर लगेज के लिए बैग लिया है, और मैंने अपने लिए दो ऐसी व्हाइट और ब्लैक कैप्स लिए हैं, चलो बढ़िया है, हर्ष को 30% डिस्काउंट भी मिला बाय द वे। और यहाँ से निकल रहे हैं और बहुत सारा सामान लेके, हर्ष ने कहा सिर्फ अशर ही क्यों, मेरे लिए भी सामान लो, मेरे लिए मतलब प्रेरणा की, हाँ इसको हर चीज को टच करना है, कवर लेट्स गो।